वेलकम माई डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास में हमने चैप्टर हमारा जो 8 है ऐसे ऐसे उसके बारे में बात की। उसके कुछ हमारी ऑनलाइन क्लासें हो चुकी हैं, शेष हमारा जो चैप्टर बच रहा है, हमने पिछले क्लास में 54 जो पेज नंबर है देख लें बच्चे एक बार, 54 से यहाँ तक अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। हम इससे आगे अभी आज पढ़ेंगे। तो डॉक्टर आया हुआ है, मोहन को देख रहा है, मोहन के पेट में ऐसे ऐसे करके हो रहा है, चूँकि मोहन को स्कूल नहीं जाना है वो झूठ बोल रहा है। तो डॉक्टर साहब आकर के उससे बात करते हैं, उसके बाद दवाई दे करके डॉक्टर साहब जा रहे हैं, उसको बोतल गर्म पानी की बोतल से सेक भी बता देते हैं। उसके बाद जब पड़ोसिन आती है तो पड़ोसिन और माँ के बीच किस तरह से बातचीत होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी पड़ोसिन आकर के कहती है, क्यों मोहन की माँ, मोहन अभी कैसा है? जो पड़ोसिन है वो मोहन की माँ से क्या पूछती है कि मोहन अभी कैसा है। आओ जी रामू की काकी, जो पड़ोसिन आई थी उसको संबोधित करके मोहन की मम्मी क्या कह रही है कि आओ रामू की काकी, कैसा क्या होता है, लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। माँ बहुत परेशान हो रही है ना मोहन के दर्द से, तो उससे कह रही है कि बिल्कुल परेशान सा नीचे, जैसे अपन एक तो सीधे होकर के चलें और जब पेट दर्द होता है तो अपन पेट पकड़ करके नीचे नीचे चलते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, ऐसे ऐसे नाम से जो इसके दर्द हो रहा है उसने इसको बहुत परेशान कर दिया। ना जी इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। पड़ोसिन जो थी हमारे आसपास में जो भी व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मतलब बीमारियों के बारे में इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो उनको हर एक जो भी नई बीमारी होती है उसके बारे में बहुत सारी गॉसिप्स करने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो जो पड़ोसिन आ रही हैं वो भी क्या कह रही हैं कि यह भी कोई ना कोई नई बीमारी होगी, जिस तरह से अभी हम एक नई बीमारी का सामना कर रहे हैं, एक महामारी का सामना कर रहे हैं, उसी तरह से पड़ोसिन क्या कह रही है कि ये ऐसे ऐसे करके भी एक नई बीमारी होगी। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, बीमारियों को राम मारी बता रही हैं कि इन बीमारियों ने सबको तंग कर दिया। पड़ोसिन कह रही है कि राम मारी इन बीमारियों ने तो हमें तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं, वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। पड़ोसिन कह रही है कि पहले जैसा खाना पीना तो अभी रहा नहीं, लोग पहले अच्छा खाते थे, आजकल गंदा और जो पेस्टिसाइड्स यूज किया हुआ रहता है वो खाना खाते हैं, तो उसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां हो गई। और बीमारियों को वो एक तरह से जो कहते हैं ना उलाहना देना या फिर डांटने जैसी बात है कि राम मारी बीमारियां, हम किसी भी चीज़ को जब डांटने के अंदाज में कहते हैं तो उसके लिए हम राम मारी शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो वह भी पड़ोसिन जो है वो भी बीमारियों को डांट रही है कि पता नहीं ऐसी कौन कौन सी किस किस तरह की अनेक बीमारियाँ आ गई। माँ कहती है कि डॉक्टर तो बदहजमी बता करके गया है, बदहजमी का मतलब पेट में गैस बन रही है, खाना अच्छे से हजम नहीं हो रहा, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था और वहाँ भी कुछ नहीं खाया, आजकल तो बिना खाए भी बीमारी होती है। माँ कह रही है कि रोटी भी अपने पापा के साथ खा करके गया था तो उनका तो पेट सही है, और ऑफिस में भी इसने कुछ नहीं खाया तो अलग से इसने ऐसा कुछ भी नहीं खाया जिसकी वजह से बदहजमी या फिर पेट खराब होने का कोई काम होता, पता नहीं कौन सी नई ऐसी बीमारी इसको लग गई। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। अब क्या है, जिससे डर था मोहन को, जिस चीज़ से छुप करके मोहन घर पे बैठा हुआ था या फिर बहाने बना रहा था, वही मास्टर जी घर पे ही आ गए। आजकल तो खैर फिर भी इतना नहीं है, लेकिन हम पुराने ज़माने में अगर बात करें तो मास्टर जी और जो छात्र है उसके बीच में इतना अच्छा संबंध हुआ करता था कि अगर स्कूल खुलने के बाद बच्चा विद्यालय नहीं पहुंच रहा है तो मास्टर जी उसके घर पहुंच जाते थे, भाई विद्यालय क्यों नहीं आया, उसके साथ क्या ऐसा कारण रहा कि आज उसने विद्यालय मिस किया, तो मास्टर जी आ गए मोहन के घर पे। ओहो मोहन के मास्टर जी हैं, जो मोहन की माँ है वो देखती है कि मोहन के मास्टर जी बाहर आ गए तो उनको पुकार करके अंदर बुला लेती है कि अंदर आ जाइए। मास्टर जी कहते हैं उन्होंने किसी से सुना कि मोहन के पेट में कुछ तकलीफ हो रही है, तो मास्टर जी कहते हैं सुना है कि मोहन की पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है।
मास्टर जी आते ही कहते हैं कि मैंने सुना है किसी से कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। मास्टर जी सारी चीज़ जान गए ना मोहन की। भाई, गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा ऐसा होता है कि जिसमें लगभग लगभग जो मास्टर जी हैं उनको छोटे बच्चों या विद्यार्थियों, जो भी उनके बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके हर एक के पर्टिकुलर स्वभाव के बारे में उनको धीरे धीरे पता लग जाता है। उनके झूठ और सच के बारे में पता लग जाता है कि ये कब झूठ बोल रहा है और कब सच बोल रहा है। तो मोहन जी को ये समझ में आ गया था मास्टर जी को कि मोहन झूठ बोल रहा है। तो मास्टर जी भी उसी की तरह कह रहे हैं जैसे वो इतनी देर से बहाना बना रहा था मोहन, उसी के अंदाज में बात करते हैं कि आज तो चेहरा भी भाई उतरा हुआ लग रहा है मोहन का। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो स्कूल में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? मोहन के जो मास्टर जी हैं वो मोहन से कह रहे हैं कि दादा, कल तो आपको स्कूल जाना है, आपके बिना स्कूल मतलब हमें अच्छी नहीं लगेगी, और आपके बिना स्कूल में या क्लास में, आपकी जो क्लास है उसमें तो रौनक ही नहीं रहेगी। माँ कहती है, खाया तो बेचारे ने कुछ भी नहीं। जो माँ है वो मास्टर जी से क्या कह रही है कि इसने तो बेचारे ने कुछ भी नहीं कहा। तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया उसी में ऐसा ऐसे होता है। कुछ नहीं खाया और फिर भी पेट दर्द हो रहा है तो इसका मतलब न खाने का दर्द है। न खाने का दर्द से मतलब कि वो जो झूठ मूठ वाला दर्द होता है, किसी चीज़ से बचने के लिए जो बहानेबाजी वाला दर्द होता है, इसके वो वाला दर्द है। पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे, लेकिन जो माँ है वो कह रही है कि वो तो दस्त की और उसकी पेट दर्द की दवा भेजेंगे वैद्य जी और डॉक्टर साहब। तो मास्टर कहता है, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। मोहन के जो बीमारी हो रही है ना, उसकी दवा ना तो वैद्य जी के पास है और ना ही डॉक्टर के पास है। इसकी ऐसे ऐसे बीमारी को मैं जानता हूँ। मास्टर जी कह रहे हैं कि ऐसे बच्चों के, जो बहानेबाज बच्चे होते हैं ना, उनकी बीमारी का केवल मास्टर जी को पता रहता है। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। जो ये ऐसे ऐसे बीमारी है ना भाई, आपको मैंने शुरू में ही, पाठ के शुरू में जो बता दिया था कि ये मोहन नाम का जो लड़का है इस पाठ में, वो केवल स्कूल जाने से बचने के लिए, क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया तो वो केवल बहाने बना रहा है। उसके पेट में किसी भी प्रकार का कोई दर्द या कोई ऐसी तकलीफ नहीं थी जिसकी वजह से वो परेशान हो। केवल वो इस चीज़ से परेशान था कि कल मैं अगर विद्यालय जाऊंगा तो मेरा होमवर्क नहीं होने की वजह से मेरी पिटाई होगी या फिर मास्टर जी मेरे को डांटेंगे। सच क्या बीमारी है ये? माँ उत्सुकता से पूछ रही है कि मास्टर जी, अगर आपको पता है तो बताइए कि मोहन को ऐसी कौन सी बीमारी हो गई। अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन से मास्टर जी क्या कह रहे हैं कि आप भले ही कल स्कूल मत आना, चिंता मत करो, लेकिन एक चीज़ बताओ भाई, कल स्कूल आने से पहले आपने अपना काम तो कंप्लीट कर रखा है? मोहन चुपचाप रहता है। जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं। मम्मी कह रही है कि मोहन से कि बेटा जवाब दो, आपके जो मास्टर जी हैं आपसे कुछ पूछ रहे हैं। हाँ बोलो बेटा, मास्टर जी फिर से कह रहे हैं, बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है और फिर इनकार में सिर हिलाता है। भाई जो बच्चा काम नहीं करता ना, तो मास्टर जी के एक बार बोलने पर वह कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप बैठा रहेगा। ज़्यादातर बच्चों के साथ यही रहता है। अगर आप क्लास में अटेंड हो और आप होमवर्क करके नहीं लाए हो, या आपको कल स्कूल में जाना है और आज आपका होमवर्क कम्प्लीट नहीं है और बहुत सारा होमवर्क आपको पहले ही कर लेना चाहिए था, तो आप उस जगह क्या मास्टर जी के पूछने पर चुपचाप थोड़ी देर के लिए बैठे रहते हैं? तो उसका जवाब लगभग लगभग मास्टर जी को पता होता है कि इसकी तरफ से ना ही है। अगर करके कोई बच्चा लाता है ना, तो वो तो पहले ही ले जा करके कॉपी अपनी, जो भी नोटबुक है या जो भी होमवर्क की उसने बना रखी है, वो मास्टर जी के सामने पेश कर देगा कि सर देखिए हमने अपना काम पूरा कर रखा है। नहीं कर रखा होगा वही बच्चा चुपचाप बैठा रहेगा। तो अंत में मोहन शुरू में तो कुछ नहीं बोला, लेकिन लास्ट में उसने गर्दन हिला करके कहा कि नहीं मास्टर जी,
मैंने काम नहीं कर रखा। जी सब नहीं हुआ। मोहन कह रहा है कि किया तो है लेकिन मास्टर जी सारा काम हमने नहीं किया, कुछ काम हमारा रह गया। शायद सवाल रह गए। मास्टर जी समझ गए तो उससे कह रहे हैं कि शायद जो सवाल मैंने करने के लिए दिए थे शायद आपने वो नहीं किए। जी तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। जो ये ऐसे ऐसे बीमारी जो आपको हो रही है, ये जो आपने काम नहीं किया उसकी वजह से आपको जो डर लग रहा है वो है। माँ चौंक करके, क्या? माँ को एक तरह से आश्चर्य होता है कि हम इतनी देर से परेशान हो रहे हैं, डॉक्टर को, वैद्य जी को बुला रहे हैं और ये भाई साहब जो हैं वो अपना काम नहीं करने की वजह से हम सबको सता रहे हैं। वैद्य जी और डॉक्टर साहब तो बीमारी भी बता करके गए हैं, दवाई भी भेजेंगे, और ये इतनी देर से हमें सब हम सबको झूठा परेशान कर रहे थे। मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। सहसा का मतलब होता है अचानक, यानी कि जैसे ये चीज़ उसकी पोल खुलती है ना, मास्टर जी के द्वारा पोल खोल दी जाती है, तो वह अपना मुंह छिपा लेता है। मास्टर जी कहते हैं, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम अधूरा रह गया। आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे भी दूर भाग जाएगा। मास्टर जी मोहन से कह रहे हैं कि इसकी, मोहन को संबोधित करते हुए उसकी माँ से कहते हैं कि इसकी जो ऐसे ऐसे जो बीमारी है ना उसका इलाज हमारे पास है। और मोहन से कहते हैं कि हाँ जी आप खड़े हो जाओ, आपको 2 दिन की छुट्टियाँ दी जाएंगी, आप उसमें अपना काम कंप्लीट करके डिपॉजिट करा पाएंगे। मोहन उसी तरह मुँह छिपाए रहता है, मोहन उसी तरह से छिप करके पड़ा रहता है जैसे उसने मम्मी के सामने मुंह छिपा लिया था, वैसे ही पड़ा रहा। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए। मास्टर जी कह रहे हैं कि अब उठ जाइए और अपने जो भी सवाल हैं, जो आपका होमवर्क पेंडिंग है, उसको करना शुरू कीजिए। उठिए, खाना मिलेगा। वो कहती है कि उठिए एक बार, आपको फिर खाना मिलेगा। मोहन उठता है, माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर के प्रवेश करते हैं। ठगी सी देखने का मतलब ये होता है कि जैसे इस तरह से महसूस करना कि भाई हमें तो बिल्कुल इस चीज़ से एक तरह से बेवकूफ़ बना दिया गया, या स्तब्ध रह जाना, ऐसे चुपचाप अचानक खड़े रह जाना कि ये क्या किया, हम इतनी देर से ये सोच रहे थे कि हमारा बच्चा परेशान हो रहा है और तुम झूठ बोल रहे थे। क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हो गए, वो अलग। देखा जी आपने, मोहन की जो माँ है वो माँ उसको डांटते हुए कह रही है कि पेट में बहुत बड़ी दाढ़ी है। पेट में बहुत बड़ी दाढ़ी होने का मतलब एक तरह से ये कहावत और मुहावरा है जिसके अंदर पेट में दाढ़ी का मतलब है, आप ये समझ सकते हो कि कोई भी आदमी बाहर से दिखने में कुछ और अंदर से कुछ और, छुपा करके बात करना या फिर झूठे झूठी बात करना, अगले को जो भी सामने है उसको बेवकूफ़ बनाना। तो इस तरह से मोहन ने बनाया था ना माँ को, पिताजी को, वैद्य जी को, डॉक्टर साहब को, पड़ोसियों को, दीनानाथ जी को और मास्टर जी को बना रहे थे, लेकिन मास्टर जी तो क्या है, मोहन को अच्छे से जानते थे। तो माँ कह रही है कि तूने 15-20 रुपये खर्च भी करवा दिए इस झूठे उस मिथ्या भाषण करके। पिता कहते हैं, वो भी अचानक से चकित हो जाते हैं कि क्या हुआ। तो माँ बता रही है कि क्या क्या होता, ये ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल के काम न करने का डर है। पिताजी से माँ कह रही है कि ये इसके कोई पेट में दर्द नहीं हो रहा था, इसने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया इसलिए इसको अपने मास्टर जी से डर लग रहा था, बाकी और कुछ भी नहीं। दवा के शीशे हाथ से छूट करके पर्स पर गिर पड़ती है। पिताजी को मतलब बहुत ज़्यादा ताजुब होता है करके पिताजी देखते हैं उसके मुंह की तरफ कि इसने ऐसा हमारे साथ किया। तो वो जो उसके हाथ में, पिताजी के हाथ में जो भी वो थी वो गिर जाती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं और फिर सब हंस पड़ते हैं। थोड़ी देर के लिए सारे जो भी वहाँ प्रेजेंट थे वो सारे मोहन की तरफ देखने लगते हैं और फिर सबको हंसी आ जाती है।
कि एक छोटे से काम के लिए सबको कितना परेशान कर दिया, ऐसे ऐसे करके दर्द बता रहा है, कितनी एक्टिंग कर रहा है, गिर गया सुबह से मतलब पलंग पे लेटा हुआ है, कुछ काम नहीं करता और लगातार से अपनी बीमारी बताई जा रहा है। सबको ये लग रहा है कि इसको बहुत तेज़ पेट में दर्द हो रहा है और अब तक इसने सबको उल्लू बना करके रखा। वाह मोहन वाह, दीनानाथ जो उसके उनके पड़ोसी थे वो कहते हैं कि वाह मोहन वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। छकाया का मतलब झूठ बोल करके बेवकूफ़ बनाया। तो इस तरह से हमने ये एक नाटक पाठ था हमारा। अगर ऑफलाइन क्लास होती है हमारी तो हम आपकी क्लास में से कुछ बच्चों को अलग अलग नाटक के पात्र बनाते, एक को मोहन बनाते, एक को दीनानाथ बनाते, एक को वैद्य जी बनाते, एक को डॉक्टर बनाते और इस तरह से पाठ करते तो आपको और भी इस पाठ में मज़ा आता, अच्छे से पढ़ने को मिलता। लेकिन चूंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो उसमें केवल मैं इस तरह से वीडियो आपके लिए भेज सकता था और आप इसको देख सकते थे, तो आप एक बार देख करके समझेंगे। हो सके तो घर पे अगर आपके बच्चे तीन चार पड़ोसी वगैरह या जो भी आपके साथ पढ़ने वाले कोई हैं उनमें आप ये इस तरह से अभिनय करके भी ये पाठ और अच्छे से याद कर सकते हैं। अगली जो क्लास होगी हमारी उसमें हम इस पाठ से संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में बात करेंगे। तो आज के पाठ में इतना ही, धन्यवाद।